हेलो, आज हम कच्चे कीमा कबाब बनाएंगे। उसके लिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, ये है हमारा सत्तू, चना का, लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च ये हमने भून के और इसको बुका है मतलब मिक्सी में, ये नमक, जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर, रिफाइंड तेल, ये हमारा प्याज है ये, और ये मैंने प्याज को तल के और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लिया है दरदरा, ये नींबू, 2 नींबू है, कटी हुई हरी मिर्च और ये पुदीना पत्ता, ये हमारा कीमा का गोश्त है, हम इसको पीस लिए हैं और पीसने के बाद इसको मैंने इसमें रखा है। अब इसमें हम जितना इंग्रेडिएंट्स है वो सब डालेंगे एक एक करके। इसमें हम प्याज डालेंगे, ये मेरा लाल करके पीसा हुआ प्याज है, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, रिफाइन ऑयल, जीरा और गोलकी का पाउडर, हमारा नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, ये हमारा मिर्च है जो मैंने भून करके इसको पीसा है, इससे थोड़ा सा तीखा हो जाता है, ये हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमारा सत्तू, ये नींबू, मैंने सब नींबू गाड़ लिया है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम चम्मच से नहीं कर सकते, इसको हम हाथ से ही करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला चुके हैं, अब इसको आधे घंटे तक हम इसको ढक के रख देंगे। आधे घंटे हो चुका है, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे ठीक है, अब हम ऐसे इसमें मेरा थोड़ा सा ऑयल है, ऑयल को हम हाथ में लगाएंगे, इसको राउंड करेंगे, एक हाथ में और ऑयल लगाएंगे और इसको ऐसे करेंगे। इसको हम ऐसे डालेंगे। देखिए अच्छे से लाल हो गया है, अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए मेरा कोफ्ता बन के रेडी है, मैंने इसको निकाल लिया, ये अच्छी तरीके से लाल हो गया है। इसके साथ आप इस पे प्याज रख करके और इसको खा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आएंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।